लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर। भारत देश में अनेकों वीर पैदा हुए जिन्होंने त्याग, तपस्या और वीरता के अनेकों उदाहरण पेश किए, लेकिन वीरता और भक्ति में इस कदर सराबोर हो जाना कि अपना शीश काट कर चढ़ा देना, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। देश में एक ऐसा अनुपम रत्न था जिसने वीरता और त्याग के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर छात्र धर्म को फिर से गौरवान्वित किया, और ये वीर थे जगदेव परमार। हम आपको बताएंगे जगदेव परमार मालवा के राजा उदयादित्य के पुत्र जगदेव परमार के बारे में। लोक गाथाओं में जिस वीर को जगदेव पंवार के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मालवा के राजा उदयादित्य की दो पत्नियां थी, एक सोलंकी राजवंश की और दूसरी बाघेला राजवंश की। सोलंकी रानी के जगदेव नाम का पुत्र और बाघेली रानी से दूसरे पुत्र रीढ़धवल थे। राजकुमार जगदेव बड़े थे। राजकुमार जगदेव साहसी योद्धा थे और सेनापति के रूप में उनकी कीर्ति सारे देश में फैल गई थी। अपने बाघेली रानी के प्रभाव से प्रभावित होकर उत्तरादित्य ने रीढ़धवल को युवराज चुना। अपनी सौतेली माता के ईर्ष्या के कारण जगदेव कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो मालवा से चले गए और जीविका के लिए गुजरात में सिद्धराज जयसिंह के अधीन सैनिक सेवा स्वीकार की। वो अपनी वीरता और स्वामी भक्ति से बहुत ही कम समय में अपने स्वामी के प्रिय हो गए। कुछ आसन्न संकट से सिद्धराज की सुरक्षा करने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया उन्होंने। जगदेव परमार ने कंकवाली देवी के सामने अपना मस्तक काट कर अर्पित कर दिया, और ऐसी मान्यता है कि जिससे देवी ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया था। जगदेव ने ये बलिदान अपनी स्वामी पर आए संकट के अवसर पर दिया था। जब राजा को उनके इस बलिदान का पता लगा तो उन्होंने प्रसन्न होकर उनको एक बहुत बड़ी जागीर दी और अपनी एक पुत्री का विवाह जगदेव के साथ कर दिया। कुछ समय बाद ये सूचना पाकर कि सिद्धराज मालवा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना पद त्याग कर अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए धरा नगरी चले गए। उनके पिता ने उनका बड़े स्नेह से स्वागत किया और रीढ़धवल के स्थान पर जगदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात जगदेव मालवा के सिंहासन पर बैठे। दोस्तों, राजस्थान की लोक कथाओं में जगदेव परमार जगदेव पंवार के नाम से जाने जाते हैं, जबकि मालवा में लक्ष्मणदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जगदेव 1143 के लगभग मालवा के राजा बने। वो एक बड़ी सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकले। बंगाल के पाल राजा पर आक्रमण कर वहां से बहुत से हाथी लूट कर लाए। इसके बाद चेरी प्रदेश के कलचुरियों पर आक्रमण करने के लिए बढ़े। उस समय वहाँ यशकर्ण का राज था। यशकर्ण साहसी योद्धा थे और चंपारण विजय पर कीर्ति प्राप्त की थी उन्होंने, लेकिन वो मालवा सेना के आक्रमण के सामने ठहर नहीं सके। जगदेव ने उनके राज को पद्दलित किया और उनकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा। उन्होंने अग्न और कलिंग राज्य की सेनाओं को परास्त किया। जगदेव ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी आक्रमण किए, लेकिन दक्षिणी राज्यों में आपस में मैत्री होने से वो सफल नहीं हो सके। मालवा के दक्षिण में चोलों का राज्य था। दोनों राज्यों के बीच बहुत कम दूरी रहती थी। इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए दोनों ही राज्य लड़ाई थे, और इसलिए दोनों में युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। जगदेव का चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम से संघर्ष हुआ। युद्ध में चोल पराजित हुए। गुजरात के सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्बर पहाड़ी जनजाति निवास करती थी, जो संत पुण्यात्मा ऋषियों को लगातार दुख देते थे। जगदेव ने उन बर्बर जातियों को दंडित किया। कांगड़ा जनपद के कीरों से युद्ध कर उन्हें परास्त किया। उनके समय में मुसलमानों ने मालवा पर चढ़ाई की। मुस्लिम को कुछ प्रारंभिक विजय प्राप्त हुई, लेकिन अंत में वो जगदेव द्वारा पीछे धकेल दिए गए। जगदेव एक वीर योद्धा और निपुण सेनानायक थे। पश्चिमी भारत के लोग अब भी जगदेव नाम पर उनकी उच्च सामरिक दक्षता व बलिदान के लिए हमेशा उन्हें याद रखते हैं। निश्चय ही वह 11वीं सदी के अंतिम चरण के एक उत्तुंग व्यक्ति थे। एक उल्का की तरह वो थोड़े समय के लिए मध्य भारत के क्षितिज में चमके और अपने पीछे चिर कीर्ति छोड़कर विलुप्त हुए। शासक के रूप में वो बहुत ही दयालु, प्रजा में प्यार बांटने वाले और न्याय करने वाले राजा थे। सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज की तरह ही उन्होंने परंपराएं शुरू की।